टुडे वी डिस्कस अबाउट हेमोग्लोबिन एंड हेमोग्लोबिन एस्टीमेशन कि ब्लड में हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी को मेजर कैसे करेंगे और हीमोग्लोबिन होता क्या है। बेसिकली हीमोग्लोबिन क्या है, हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम मतलब ब्लड, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, यानी कि जब ब्लड और प्रोटीन आपस में बाइंड होते हैं तो क्या बनता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में बेसिकली कंटेंट क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन में 55% जो टोटल ब्लड का जो अमाउंट होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या है, 95% वाटर होता है और अदर 5% जो है वो हार्मोन्स, एंजाइम्स, मिनरल्स, साल्ट्स, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो है, अब आती है बात ब्लड सेल की, तो 100 का 44% जो होता है वो रेड ब्लड सेल होता है, जिसको हम RBC बोलते हैं, जिसका रोल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना होता है और CO2 को कैरी करना होता है, कि बेसिकली वो हमारे लंग से जो है ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यू तक लेके जाता है और टिश्यू से CO2 को कैरी करके लंग्स तक वापस लेके आता है। उसके अलावा हमारे पास बचता है 1%, तो 1% में होते हैं हमारे इम्यूनिटी सेल, जिसको हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, और प्लेटलेट। वाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, जितने भी बाहर से ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस कोई भी हमारी बॉडी पे जब अटैक करता है तो उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी की आर्मी होती है, जो कि बाहर से आए हुए जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करती है। उसके बाद क्या है, ये 5 टाइप के होते हैं, डिफरेंशियल होते हैं, अलग अलग होते हैं पाँचों के पाँचों, जिनका रोल भी अलग अलग होता है। उसके बाद आती है बात प्लेटलेट की। प्लेटलेट जो है ये बेसिकली, इसको हम थ्रम्बोसाइट भी बोलते हैं, और ये हमारी कोगुलेशन में मेन रोल प्ले करता है, जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से ये जब भी किसी साइट पे इंजरी होती है तो वहाँ पे प्लेटलेट प्लग क्रिएट करता है, जिससे क्या हमारा ब्लड स्टॉप हो जाता है, वहाँ से इंजरी साइट से ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये होगी सेल्स की डिस्क्रिप्शन। तो अब हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन क्या है, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल है बेसिकली वो 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलने से डेवलप होता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से जो रेड ब्लड सेल है उसका कलर जो है वो रेड होता है। तो अब हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन को एस्टीमेशन कैसे करेंगे। साली मेथड से हम इसको एस्टीमेशन करेंगे। तो साली मेथड के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके लिए हमारे पास साली मीटर होना चाहिए, HB ट्यूब होनी चाहिए जो ग्रेजुएटेड हो, जिसके ऊपर मार्किंग हो। उसके अलावा हमें एक स्टीरियर चाहिए, कांच की रोड, जिससे हम जो ट्यूब के अंदर ब्लड सैंपल होगा उसको मिक्स कर सकें। उसके अलावा हमें एक माइक्रो पीपेट चाहिए, आप माइक्रो पीपेट भी यूज कर सकते हो और HB पीपेट भी यूज कर सकते हो। उसके बाद हमें चाहिए ब्लड सैंपल, ये EDTA ब्लड सैंपल चाहिए हमें, जो क्या है प्रॉपर एंटीकोगुलेंट के साथ मिक्स हो, जिसके अंदर कोई भी क्लॉट ना हो। उसके बाद हम रीजेंट की बात करते हैं, तो रीजेंट में हमें चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर के साथ हमें चाहिए N/10 HCl, जिसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले इसके प्रिंसिपल को जानते हैं कि भाई ये काम कैसे करेगा। बेसिकली क्या है कि जो N/10 सोल्यूशन है उसको जब हम हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स करेंगे, यानी कि N/10 सोल्यूशन और हीमोग्लोबिन की जब हम रिएक्शन करवाएंगे, तो N/10 हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट होकर उसको एसिड हेमेटीन में कन्वर्ट करेगा, और एसिड हेमेटीन में कन्वर्ट होने के बाद जो हमारे ब्लड का कलर जो रेड है वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन कलर में, और उस ब्राउन कलर को हम ग्लास कंपरेटर जो हमारे पास HB मीटर में लगा है उसके साथ हम कंपेयर करके उसकी रीडिंग को नोट करेंगे। ये इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल। तो आइए अब हम जानते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, इसके प्रोसीजर को देखते हैं कि इसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, HB मीटर लेंगे, HB मीटर में हम ट्यूब को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो हमारी ट्यूब है इसमें 2 मार्क तक मार्किंग होती है, यहाँ पे ये देखिए 2 मार्क तक, ठीक है, तो यहाँ तक हम इसमें N/10 HCl फिल करेंगे। ठीक है जी, N/10 HCl फिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 20 माइक्रोलीटर, जो क्या है 20 माइक्रोलीटर जो है वो ब्लड डालेंगे। तो हम इसको फिल कर लेते हैं ड्रॉपिंग पिपेट की हेल्प से,
तो ये जो हमारा n बाई 10 डाला है हमने, 2 मार्किंग तक इसको फिल कर लिया। इसके बाद हम इसमें अब 20 माइक्रोलीटर ब्लड जो है वो माइक्रोपिपेट की हेल्प से इसके अंदर मिक्स करेंगे। और हमने ध्यान रखना है कि हमने कंटेनर को जो है वो टाइटली क्लोज करना है ताकि हमारा जो रिएजेंट है वो ख़राब ना हो, वेपराइज ना हो और वेस्ट ना हो। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले ब्लड सैंपल को मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि वो ब्लड सेल्स जो है वो प्लाज्मा के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें 20 माइक्रोलीटर जो है सैंपल फिल करेंगे, जो है 20 माइक्रोलीटर फिल करेंगे। उसके बाद हम इसके टिप्स के साइड से इसको क्लीन करेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी ओवर ब्लड है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे अच्छे से। तो हम इसको स्टीरियर की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है एच बी है वो हीमोग्लोबिन इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये देखिए अब इसका जो रेड कलर था वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट तक वेट करेंगे। 5 मिनट वेट करेंगे, तब तक हम इसके बारे में जानते हैं कि इस मेथड को यूज़ करने के बेनिफिट क्या हैं और नुकसान क्या हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे ताकि ये तब तक